रामपुर में दिन निकलते ही शुरू हो जाता है अवैध दारू का कारोबार। रामपुर जिले के कोतवाली मिल्क क्षेत्र जहां पर सुबह 5 बजे से ही शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले पर मौन साधे हुए हैं, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को भी काफी बार की। कोतवाली प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवकों को फटकार लगाकर वहां से दफा दफा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद युवक अगले दिन फिर दारू बेचने मौके पर पहुंच गए। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि ये युवक शराब भट्टी कर्मचारियों में से एक ही है जो रोज सुबह पहुंचकर धड़ल्ले से शराब बेचता है, जबकि शराब भट्टी खुलने का समय 10 बजे से रात 10 बजे तक ही है, लेकिन सुबह 5 बजे शराब बेचकर युवक मोटी रकम कमा रहा है। वहीं जब इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी अवधेश राम जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब मेरे पास अवैध शराब बेचने का कोई शिकायत अब तक नहीं मिली है। एक वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें सुबह का टाइम बताया गया, फोन करके कोई आदमी बेच रहा है, दुकान के बाहर कहीं शराब तो हमारे यहाँ नियम है कि सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे तक ही रात खोले रखने का है, इसके अलावा कोई दुकान उसके पहले उसके बाद खुली मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हमारे इंस्पेक्टर भी क्षेत्र में रहते हैं और ऐसी दुकानों को टाइम से खुलवाने का प्रयास करते हैं। थाले में क्या है इसमें? थाले खोल। अरे बताओ तो, थाले खोल, थाले खोल, थाले क्या, थाले क्या? अरे आप बताओ तो पहले, वीडियो बना रहे हो, ये बताओ। अरे आप बताओ तो, अरे आप बताओ तो, किसी बात नाम क्या? आप बताओ तो पहले, नाम बताओ, नाम क्या तेरा? अरे पहले बताओ नाम क्या, ना पहले बताओ नाम बताओ, नाम क्या आप अपना नाम बताओ। अरे नाम बताओ, क्या नाम तेरा? पहले अपना नाम बताओ भैया, नाम क्या? ये दारू कैसे बेच रही है भैया? अपना नाम बताओ पहले, मीडिया से ये खोल बताओ। अरे आ गया, मीडिया वाले आए, वीडियो बना रहे हैं। ये दुकान जरा बोलिए, जरा बोलिए, जरा सर। रामपुर जिले में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी सरकारी ठेके पर जो है अवैध रूप से दारू बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मेरे पास अवैध तरीके से दारू बेचने की कोई ऐसी शिकायत तो मिली नहीं है। एक वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें कोई सुबह का टाइम बताया गया मुझे फोन करके कि वो कोई आदमी बेच रहा था दुकान के बाहर कहीं शराब, तो हमारे यहाँ नियम है 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे शाम तक, 10 बजे रात तक दुकानें खुली रखने का। इसके अलावा अगर कोई दुकान इसके पहले या इसके बाद में खुली मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाते हैं। हमारे इंस्पेक्टर्स भी क्षेत्र में रहते हैं और दुकानों का जो सही समय है उसमें खुलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और लगातार जिले में देखी जाती है कि जहां भी आपकी वाइन शॉप है वहां पर लगातार जो है ओवर राइटिंग दारू कहीं ना कहीं दिखती दिखाई दे रही है, तो उसको कहीं ना कहीं आपके द्वारा या आपके अधिकारियों द्वारा हमेशा संज्ञान नहीं लिया जाता इस मामले में? मेरे द्वारा लगभग प्रति माह इस तरह की विज्ञप्ति भी पेपर के माध्यम से दी जाती है कि कोई कहीं अवैध अड्डे से या दुकान के अलावा कहीं से बिकने वाली शराब ना खरीदे। जो दाम लिखा होता है हमारे यहाँ हर एक का दाम लिखा होता है, लगभग हर दुकानों पर हमने अपना प्रिंट भी करा रखा है, पेंट से दाम लिखवा रखा है। इसके बावजूद अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो मैं अपने मोबाइल नंबर भी हर महीने मीडिया में देता हूं कि किसी की भी कहीं से कोई शिकायत हो वो मुझे खबर करे, हम तुरंत वहां जाते हैं और उनके खिलाफ जो नियमानुकूल कार्रवाई है वो करते हैं। अच्छा, इस तरीके की शिकायतें अगर आपके संज्ञान में आती है तो किस तरीके की कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है? नियमों में प्रावधानित है हर तरह की, जो भी अगर दुकानों की ब्रीच होती है, अगर कोई जैसा रजिस्टर नहीं मिलना या कहीं किसी सेल्समैन का ना मिलना
या किसी सेल्समैन द्वारा पैसे अधिक लेना, इस तरह की जो भी है सबके अलग अलग रेट निर्धारित है, जुर्माने की राशियां शासन से निर्धारित है, उसी के अनुरूप की जाती है कार्रवाई। थैंक यू।